गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। एक बार बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, अगर आपने एडमिशन लिया है तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, टू द पॉइंट, जो भी आपके चीज़ें हैं वो मैं कवर कराऊंगा। जो चीज़ें आपको दे दी गई हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो सिलेबस होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं चीज़ें। मतलब जैसे आर्किटेक्चर आपको दिया नहीं गया, लेकिन आर्किटेक्चर का पार्ट है उसमें। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंप्यूटर का पूरा एक आर्किटेक्चर, उसमें जितनी भी यूनिट्स हैं। श्रितिका जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार बताइए कि वॉइस और वीडियो सब कुछ क्लियर है? फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली जो ओएस का, ऐसा नहीं है कोई चीज मैंने आपको ओएस में नहीं पढ़ा है, लेकिन ओएस में जहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जो चीजें आप में एडवांस दिया है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। बेसिक बेसिक सबके बारे में अगर पूरे लेक्चर देख डालोगे आप, तो टर्मिनोलॉजी मैंने हर चीज डिस्कस किया है, कोई भी टर्म्स को छोड़ा नहीं है आप अगर आप देखोगे तो। लेकिन टर्म से नहीं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा है उसको जरूरी भी है। तो आज हम वर्चुअल मेमोरी पर बात करेंगे, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी आप देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सब हेडिंग है। श्रुतिका जी, देखिए कुछ टॉपिक के पीडीएफ मैंने आज ऑपरेटिंग सिस्टम के लगा दिए हैं, उसमें आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मैनेजमेंट, ये सब चीजें मिल जाएंगी। और जो अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको आज आप पढ़ा रहा हूं, तो कल आपको यही बोर्ड वाली ही पीडीएफ में दे दिया करूंगा, ठीक है? तो स्टडी मटेरियल एक पीडीएफ सेक्शन बना होगा आप लोगों में, रिकॉर्डेड में जाओगे तो एक सेक्शन पीडीएफ का बना है, उसी में आपका लगा है। वर्चुअल मेमोरी का ऐसा नहीं है, जब आप पढ़े होगो, जब मैंने आपको मेमोरी पढ़ाया है, जहां पे कैसे पढ़ाया है, रोम ईपी रोम उसके भी डिविजन्स पढ़ाए हैं, तो मैंने वर्चुअल मेमोरी को बताया था। वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो कोई एक रियलिस्टिक मेमोरी नहीं होती है, ठीक है? ये एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करता है। ये कोई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस इसका नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है, आपको कोई कोई बताएगा मुझे? हेलो शनि जी, चलिए सब कुछ क्लियर है। कोई बताएगा कि वर्चुअल, देखो समय आपके पास कम है तो जितना ज्यादा उसको, जितना दे दिया गया उसको भी कवर कर डालो, बाकी मैं टू दी पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को पकड़ के पढ़ा दूंगा। वर्चुअल मेमोरी आज और कल में मैं खत्म कर दूंगा। आज आपके इसके वर्किंग को बता दूंगा कि कैसे होता है, डिमांड पेज क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ पेज क्या होता है, ठीक है? व्हाई नीड वर्चुअल मेमोरी, इन सब क्वेश्चंस को आपका आंसर मिल जाएगा। कल हम जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जो तीन एल्गोरिदम है, एक फीफो है, एक ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है, और तीसरा जो है आपका लीस्ट रिसेंट यूज, LRU, ये तीन एल्गोरिदम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक? तो कोई वर्चुअल मेमोरी को बताए, एक वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला क्या है, एक सिंपल शब्दों में कहें तो इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये चीज है लेकिन वो होती, ठीक है? ऐसा लगता है, वो ऐसा आपको बताएगा कि ये चीज हो रही है, आपको इल्यूजन हो रहा है, ठीक है? ये मौजूद है लेकिन बेसिकली वो मौजूद रहता नहीं है, लेकिन वो होता है, ऐसा कुछ। समझ गए, वर्चुअल का मतलब होता है सिंपल सी बात, इल्यूजन। और ये इल्यूजन कौन क्रिएट करता है, ये इल्यूजन क्रिएट करने वाला एक ही है आपका, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये वर्चुअल मेमोरी को क्रिएशन इसका जो है वो कौन करता है, तो आप कहोगे कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है? दूसरी बात, ये इल्यूजन कब करता है, इल्यूजन इसके करने का ये कि कभी भी आपके सिस्टम में कोई भी प्रोसेस जो है, सपोज करो कोई भी प्रोसेस आपका वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसकी जो प्रोसेस प्रोग्राम है उसकी जो एक तरह से बोला जाए जो साइज है, इस प्रोसेस की जो साइज है वो आपके मेमोरी के, मतलब जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी मतलब कौन सी हो जाती है मेमोरी, इसीलिए मैंने पहले आपको मेमोरी का दे दिया। मेन मेमोरी किसे बोलते हैं, परमानेंट क्या बोलते हैं,
मेन मेमोरी मतलब रैम, ठीक है। ये रैम की जो साइज होती है आप सब जानते हो कि डिफिनिट साइज होती है, कि एक डेफिनिट साइज होती है, अनडेफिनिट नहीं होती है, कि एक डिफाइन है इसका ये साइज है 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। तो अगर ऐसा हो कि कोई प्रोसेस इस रैम के साइज से बड़ा आ जाए, लार्ज हो जाए, तो क्या वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा? ठीक है, क्या वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब से वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया तब से कोई भी प्रोसेस कितना भी बड़ा हो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो, वो प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में लोड ना हो। क्यों? क्योंकि वर्चुअल मेमोरी जो है वो आपका क्या एक जो है वही कॉन्सेप्ट, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहां यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या कहता है, उस प्रोसेस को एक इल्यूजन क्रिएट कराता है कि आप जो सोच रहे हो कि आपके पास इतना एमबी का प्रोसेस है, सपोज करो इसके पास 4 GB का रैम है और इसके पास कोई प्रोसेस है 8 GB का है, तो ये आपको प्रोसेस को ये नहीं पता चलेगा कि रैम सिर्फ 4 GB का है, उसको ये पता चलेगा कि रैम की साइज इससे बड़ी है। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये एक इल्यूजन क्रिएट कराएगा कि जो हमारी मेन मेमोरी है वो आपके प्रोसेस के मेमोरी से काफी ज्यादा है, इसी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलो अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के मेथड से मैं वर्चुअल मेमोरी के काम को समझाता हूं। वर्चुअल मेमोरी का काम समझने के लिए आप मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग मैंने पढ़ाया है, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम होता है कि मेमोरी को कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे चीजों को एलोकेट करें मेमोरी में, उसी में जब हम कॉन्टिन्यूस एंड नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन पढ़ते हैं, तो जब हम नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन पढ़ते हैं वहां पर हमें कहीं ना कहीं इन चीजों का देखने को मिलता है, क्योंकि जब वही यूज करते हैं हम लोग पेजिंग, वही यूज करते हैं हम लोग सेगमेंटेशन, और ये जितने भी कॉन्सेप्ट है पेजिंग और सेगमेंटेशन, ये सभी एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसको हटाने के लिए होता है। तो ये सब मैं अलग अलग बात करूंगा, लेकिन आज के टॉपिक पे बेसिकली हमें बात करना है वर्चुअल मेमोरी पे। ठीक, चलो आते हैं क्या होता है वर्चुअल मेमोरी पे। ये देखो, ये आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब आप कह सकते हो लॉजिकल एलोकेशन स्पेस, क्या कह सकते हो? लॉजिकल एलोकेशन, डायग्राम बना लेना आप लोग स्पेस, क्योंकि डायग्राम से ही आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। ये एक तरह से इसको और कुछ नहीं, आप हार्ड डिस्क बोल सकते हो। सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं एक बार ये बता दो, आप लोग क्लास में हो एक बार बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं ये फिगर। ठीक है, तो ये आपकी हार्ड डिस्क हो गई और हार्ड डिस्क में ही आपके कई प्रोसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसको हमें लोड करा के सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट कराएंगे। देखो यहां सीपीयू है, सीपीयू को प्रोसेस मिलेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, तो उसी प्रोसेस में हम लोग यहां पर देख रहे हैं। ये आपकी मेन मेमोरी है, ये रैम है। ठीक है, तो जो आपका रैम होता है उसमें मैंने एक जीरो स्लॉट में ये जो रैम है आपका वो आपके अलग अलग एक तरह से बोला जाए यहां पर पार्टीशन में आपके एक फ्रेम में डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है? एक फ्रेम में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, जब फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं तो वही होता है कि इसको एक फ्रेम में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, एक स्लॉट्स में मेमोरी को जो मेन मेमोरी होता है उसको एक स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है, वो स्लॉट जो होता है आपका वो कहीं ना कहीं इक्वल नंबर इक्वल मेमोरी का स्लॉट होता है। मान लो अगर 2 MB का ये भी है तो 2 का ये भी होगा, 2 का ये भी होगा, 2 का ये भी, 2 का ये भी, 2 का ये भी, ऐसे होता है। ठीक है, चलो ठीक, तो 2 MB के जाए कोई भी कितना भी, डिपेंड करता है कि ये हम जो साइज स्लॉट का डिवाइड करेंगे वो आपका किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि जो आपका प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस P1 P2 P3 है, तीन प्रोसेस हैं, तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, जो पेजिंग मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो पेजिंग के थ्रू इसको क्या करते हैं, इसको पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। पेजिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस, मान लो आपका कोई P1 प्रोसेस है,
ये P1 जो प्रोसेस है उसको हम लोग एक पेज में, ठीक है, पेज साइड में, कई पेज में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मान लो कोई प्रोसेस आपका 6 MB का है और मैंने कहा इसको दो दो का हमने फ्रेगमेंट, एक मेन मेमोरी में हमने जो सेगमेंट बनाया है, स्लॉट जो बनाया है इसका, वो 2-2 MB का बनाया है। तो हमारा कोई जो प्रोसेस है तो उसका भी जो हम पेज बनाएंगे तो इसका फ्रेम साइज और पेज साइज दोनों बराबर होगा। ये मैंने वहां डिस्कस किया है जब पेजिंग पढ़ाया है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो जरूर देख लेना एक बार। तो आपके जो ये पेजेस में हम प्रोसेस को डिवाइड करेंगे तो इसका भी पेजेस का साइज जो होगा वो 2 MB ही होगा। प्रोसेस एक ही रहेगा लेकिन उसके जो पार्टीशन हम अलग अलग पेज में कर देंगे। सपोज करो बड़ा सा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोई चीज मैंने इस बोर्ड पे भर दिया तो ये एक पेज हुआ। इस पेज को हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया तो उसके इस पूरे पेज को हम प्रोसेस माने और इसका एक पार्ट यहां, एक पार्ट यहां और एक पार्ट यहां, ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाता है पेजिंग। इसी को कहते हैं पेजिंग, किसी एक सिंगल प्रोसेस को हम कई जो है एक तरह से पेजेस में डिवाइड कर देते हैं और वो पेजेस की जो साइज होती है वो साइज आपके मेन मेमोरी के जो आपका सेगमेंट होगा, जो आपका एक तरह से बोला जाए फ्रेम होगा, उसके बराबर होता है, एक फ्रेम के बराबर होता है। तो हम हार्ड डिस्क में देख रहे हैं कि कई सारे आपके प्रोसेस हैं और हर प्रोसेस को हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन के पार्ट होते हैं मेमोरी में। अगर अभी हमें क्या करना है, यहां पर देखो कि जो भी आपका है इस मेमोरी में, हमने जो आपका वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी यही कहता है कि आपका ये पूरा का पूरा क्या है, वर्चुअल मेमोरी को मैं समझा रहा हूं। यहां पे आपको इतना प्रोसेस है, मान के चलो जितने ये प्रोसेस हैं इनके साइज जो है वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है, मेन मेमोरी के साइज से आपका ज्यादा है। तो वर्चुअल मेमोरी वही कहेगा कि भैया आप घबराओ नहीं, मेन मेमोरी का साइज बहुत है। इल्यूजन पैदा करेगा कि आपके सभी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, किसी को हटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो वर्चुअल मेमोरी होता है इसमें आपके जो भी प्रोसेस हैं, जो भी प्रोसेस हैं उनके कुछ जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं, आपके जो भी प्रोसेस है, P1 हो गया, P2 या P3, जितने भी आपको प्रोसेस आपके हार्ड डिस्क में, अभी मैंने कहा मैंने 3 प्रोसेस को लिया, ये 3 प्रोसेस के जो रिक्वायर्ड एक तरह से बोला जाए कि प्रोसेस होंगे, जो पेजेस होंगे उन्हीं को हम मेमोरी में लोड करेंगे, उन्हीं को हम मेमोरी में क्या करेंगे, लोड करेंगे, जिसको कहते हैं स्वैप इन, ठीक है, या रोलिंग इन, क्या बोलते हैं, रोलिंग इन, ये ध्यान रखना। और स्वैप आउट भी एक प्रोसेस होता है हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में होता है, स्वैप आउट का मतलब भी हटा देना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि हम पहले से ही पता हमें चल जाता है, कुछ चीजों को हम मेमोरी में लोड कर लेते हैं, जितने मान लो अभी 3 प्रोसेस है तो हम तीनों प्रोसेस के कुछ ऐसे पेजेस जो डिमांडिंग हो, कि हमेशा उसको सीपीयू डिमांड ही करता हो, ऐसे प्रोसेस को हम ऑलरेडी किसमें, मेन मेमोरी में लोड कर लेते हैं। तो यहां बोला गया ना रिक्वायरमेंट या डिमांडिंग, तो उसी को डिमांड पेज कहा जाता है। एक्चुअली जो ये होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, जो डिमांड पेजिंग होती है, एक तो होता है प्योर डिमांड पेजिंग और एक होता है प्रीफेच डिमांड। एक क्या होता है, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं, आपका जो डिमांड पेजिंग होती है, डिमांड जो है पेजिंग, ये 2 प्रकार से होती है। ठीक है, डिमांड पेजिंग आपकी 2 प्रकार से होती है, एक होता है प्योर डिमांड पेजिंग और दूसरा जो होता है आपका वो होता है प्रीफेच डिमांड। प्रीफेच डिमांड का मतलब हो गया कि हमें पता है कि यही डिमांड होगा तो हम पहले से ही उसको लोड करके मेन मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, ये प्रीफेच मतलब पहले से ही हमें पता है, लेकिन प्योर डिमांड पेजिंग मतलब जब आपका सीपीयू क्या करे, डिमांड करे, तब उसको लोड करना मेन मेमोरी में, वो क्या कहलाता है, प्योर डिमांड पेजिंग। ये जो होता है आपका रन टाइम डिमांड पेज होता है।
इसमें क्या होता है, जब प्रोसेस को रन होता है, रन टाइम डिमांड पेज, रन टाइम डिमांड पेज कहलाता है ये, ठीक है। रन टाइम में डिमांड करेगा और उसी समय में हार्ड डिस्क से आपका जो होगा प्रोसेस वो मेन मेमोरी में लोड होगा। अभी यहां समझते हैं, आपने पेजिंग डिमांड के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो पहले मैं प्रीफेच की बात कर रहा हूं, बेसिकली यही होता है कि यहां पर आपका जितने भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के मेन मेन जो पेज है उनको हम पहले से लोड कर लेते हैं मेन मेमोरी में, ठीक है। मेन मेमोरी में हमने जितने भी प्रोसेस हैं, तो इससे यह होता है कि जब भी आपको सीपीयू को किसी भी प्रोसेस की जरूरत है, सपोज करो P1 प्रोसेस को जरूरत है, जब वो मेन मेमोरी से P1 को देखेगा तो हाँ P1 के भी कुछ पेज यहां पे मौजूद है, मतलब P1 प्रोसेस मौजूद है, ठीक है। अच्छा, सीपीयू P2 पे अगर आ गया तो P2 को देखा तो हाँ कुछ पेजेस जो है, मैंने कहा ना कुछ चीजें, कोई जरूरी नहीं है कि इसके सभी पेजेस इसमें लोड हो, इसके जो रिक्वायर्ड है जो डिमांडिंग पेजेस है वही सिर्फ मेमोरी में लोड हो। लेकिन सीपीयू को पता चल रहा है कि हम जिस जिस प्रोसेस की डिमांड कर रहे हैं वो प्रोसेस तो यहां अवेलेबल है, अब उसका कौन सा पेज अवेलेबल है कौन सा नहीं ये मतलब नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस तो मेमोरी में अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है। तो यहां पे क्या हुआ कि आपकी मल्टी प्रोग्राम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इनहेंस हो गई, मतलब आपके जितने भी प्रोग्राम होंगे उन सभी प्रोग्राम के, उन सभी प्रोसेस के कहीं ना कहीं जो पेजेस होंगे वो मेमोरी में लोड होंगे। तो ये खासियत एक जो है आपका वर्चुअल मेमोरी बना देता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर जाती है, और जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करती है इससे वर्चुअल मेमोरी से क्या होता है एडवांटेज, जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग वो इंक्रीज कर जाती है आपके, देख रहे हो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब P1 P2 P3 जितने प्रोसेस उन सबके डेटा कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में है, उन सबके डेटा को ये रखता है, भला ही पूरे को ना रखे लेकिन कुछ पेजेस को वो रखता है, ऐसे जितने होंगे वो सब होंगे। तो एट ए टाइम जब सीपीयू कॉल करेगा, जब सीपीयू यहां से लोड करेगा, सीपीयू को कोई प्रोसेस की जरूरत होगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि यहां पे कुछ भी नहीं है, तो सीपीयू का फुलफिलमेंट हमेशा रहेगा। इसीलिए यहां पर क्या हो जाता है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन, और जितना सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा हाई रहता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होता है हाई रहता है, यह ध्यान रखिएगा। चलो थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझ गए इस बात को। तो यहां पे कुछ जो डिमांडिंग, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई एग्जामिनर आया तो जब आपका वाइवा होता है तो हमने कहा कि रोल नंबर 9 को बुला लो, 9 को रोल नंबर को बुला लिया तो 9 रोल नंबर तो आया, लेकिन जो उसके बाद है 10 वाला हो गया, ठीक है। चाहे मान लो रोल नंबर वाइज वाइवा हो रहा है वो दूसरी बात है, चाहे किसी और काम के लिए बुलाया गया हो, कोई भी बंदा बोला कि इस रोल नंबर को बुला लो क्लास से, तो हो सकता है कि रेंडमली अगर वो बुला रहा है तो अगर हम 9 नंबर रोल नंबर वाले को बुलाएं तो हो सकता है कि उसके आगे वाले को बुला ले या उसके दो पीछे वाले को बुला ले। तो इतना हम प्री डिफाइन अपना होके चलते हैं कि प्रोसेस ये डिमांड कर सकता है तो उसको हम पहले ही लोड कर लेते हैं। जैसे कहा, मैंने मान लिया कि एग्जामिनर चाहे जो भी हो अभी अगर 9 नंबर को बुलाया है तो हो सकता है अगला 10 नंबर वाले को बुला ले या 8 नंबर वाले को बुला ले, चाहे 11 को बुला ले चाहे 7 को बुला ले, तो उसके इर्द गिर्द कोई चीजें जो हमें पता चल जाती है तो हम उसको क्या करते हैं पहले ही लाके लाइन में खड़ा कर देते हैं, ताकि जैसे ही एग्जामिनर बुलाए तुरंत मैं उसको वहां पहुंचा दूं, मेन वहां से ना लोड करना रहे कि क्लास से बुलाऊं और फिर यहां पर एग्जामिनर तक लाऊं, तो वो टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीजों को जान के कि हाँ सीपीयू की क्या डिमांडिंग चीजें हैं वो पहले से ही इकट्ठा करके लोड कर लेता है, ठीक है ऑलमोस्ट। हाँ, उसके बाद से कि भाई रेयर केस हो सकता है कि वो चीज ना मौजूद हो जो सीपीयू डिमांड करे, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी कि वो कैसे होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये पता चल गया कि ये चीजें पहले से प्री जो है मैंने यहां पर बताया था प्री फेस्ट जो है आपके प्रोसेस यहां पर होते हैं। अब देखो प्रोसेस जैसे पेज 1 0 ऑफ P1, मतलब पेज 0 इसका जो प्रोसेस 1 का है वो यहां पर है, पेज टेबल ऑफ P2 इसी में पेज टेबल भी होता है कि पेज टेबल जो बताता है, पेज टेबल क्या होता है जैसे मैंने बताया ना यहां पर पेज टेबल ऑफ प्रोसेस P1, ये एक पेज टेबल होता है प्रोसेस P1 का जो मेन मेमोरी में ही अपलोड रहता है।
इसका काम क्या रहता है, यह बताता है कि P1 प्रोसेस के जो पेजेस हैं वो इस मेन मेमोरी में किस एड्रेस पर हैं। जैसे एड्रेस की बात करें तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब किस फ्रेम में है, एक तरह से बोल सकते हो ये फ्रेम में डिवाइड है। तो किस फ्रेम में आपके जो P1 के पेजेस हैं वो आपके मेन मेमोरी में लोड हुए हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे ये P1 का मैंने यहां पे टेबल भी, पेज टेबल भी यहीं पर आएगा। देखो पेज टू ऑफ प्रोसेस टू, पेज टू जो है प्रोसेस टू का है, पेज टू ऑफ प्रोसेस वन, पेज टेबल P1, पेज जीरो ऑफ प्रोसेस टू, और ये अभी खाली है, ठीक है। मैक्सिमम चीजों को इसने लोड किया है। अभी अब हम बताते हैं कि कैसे काम होता है, क्या डिमांड पेज होता है, फॉल्ट पेज कैसे आता है, वो चीजें ध्यान रखना। वर्चुअल मेमोरी का काम जो मैंने बता दिया कि प्रोसेस कितना भी बड़ा हो उसको इल्यूजन क्रिएट करेगा कि मेन मेमोरी की साइज ज्यादा है प्रोसेस से, ठीक है, लेकिन होता नहीं है। इसका तो साइज आप जानते हो फिक्स होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक इल्यूजन क्रिएट कराता है कि जो भी प्रोसेस है उससे ज्यादा साइज है, किसका, मेन मेमोरी का। बस अभी हम बात करें सीपीयू है, सीपीयू को सपोज करो P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, ये P1 का डिमांड करेगा। तो P1 को डिमांड करने के जैसे ही डिमांड करेगा P1 का, तो ये P1 प्रोसेस मेन मेमोरी में सर्च होगा। पहले सर्च क्या होगा, पहले P1 का प्रोसेस का पेज टेबल जो है सर्च होगा, ठीक है। तो P1 पेज टेबल मिल जाएगा, पेज टेबल ये P1 का जो पेज टेबल है, पेज टेबल ऑफ प्रोसेस टू, पेज टेबल ऑफ P1, ठीक है, यहां पर है। 5 नंबर एड्रेस पर पेज टेबल ऑफ P1 है, प्रोसेस 1 का पेज टेबल है, प्रोसेस 1 का पेज टेबल मिल गया सीपीयू को। जैसे यहां पे गया सर्च किया, यहां से इसको मिला, ये रहा पेज टेबल, पेज टेबल आपको ये बना हुआ है। अब पेज टेबल में भी देखो ये एड्रेस होता है, यहां 1, 2, 3 मैंने ऐसे लिख दिया, ये सब चीजें बाइनरी में होती है। ये आपका खाली है, यहां पर खाली है। अभी जो है P1 प्रोसेस की बात किया तो पेज टेबल में आएगा यहां पर, और पेज टेबल जो आपका अगर यहां पे बात किया जाए तो यहां पे अगर वो देखेगा कि क्या पेज टेबल है, F1 में जो आपका उसका क्या है, जीरो पेज है, जो जीरो है यहां पे F1 फ्रेम में देखेगा तो F1 में क्या है आपका फ्रेम 1, यहां पर पेज 1 आपका क्या है, जीरो पेज ऑफ P1 है, यहां पर जीरो पेज ऑफ P1 है। अगर यहां पर फ्रेम 4 पड़ा हुआ है तो फ्रेम 4 में देखेगा जब वो, तो फ्रेम 4 में आपका पेज 2 है प्रोसेस 1 का, पेज 2 है प्रोसेस 1 का, तो यहां पे आपका देखा कि पेज 2 है अगर प्रोसेस 1 का, P1 पेज नहीं है आपका, क्या नहीं है, जो P1 पेज है, हां P1 जो पेज है वो नहीं है आपका कहीं भी। तो यहां पे जब P1 पेज नहीं है आपका, तो वो आपका यहां पे देखो, यहां पे एक चीज खाली है, यहां पे खाली है, उसको प्रोसेस P1 जो है आपका, P1 के प्रोसेस का पेज 1 आपको उसको चाहिए, ठीक है, P1 प्रोसेस का पेज 1 उसको चाहिए, लेकिन आपका यहां पे पेज 1 आपको नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिखा यहां पर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो पेज 1 है इसका, सीपीयू को P1 पेज जो है, प्रोसेस 1 के P1 पेज को एग्जीक्यूट करना था, तो वो गया यहां पर पेज टेबल में जाएगा प्रोसेस के, वहां देखेगा तो फ्रेम 1 और फ्रेम 4 ही सिर्फ है, बाकी यहां पे बिट होता है, बिट होता है एक 0 बिट और 1 बिट, 0 बताता है वैलिड और 1 बताता है इनवैलिड, ठीक है। यहां पे जो होता है आपका चलो वैलिड बिट और इनवैलिड बिट, तो यहां पर अच्छा इनवैलिड ये होगा 0 और ये 1 होगा वैलिड, ठीक है, 0 इनवैलिड होगा। तो यहां पे जब भी आप पाओगे तो यहां पे 0 आपका होगा कि भाई P1 पेज जो है आपका नहीं, देखो या तो कौन सा पेज है, यहां पे देखो अगर 4 नंबर पे जाओगे तो 4 नंबर पे पेज 2 है, यहां पे आपको पेज 2 मिलेगा, ठीक है, और यहां पे आपको F1 में क्या मिलेगा, पेज 1 मिलेगा, पेज 0 मिलेगा,
पेज जीरो मिलेगा, लेकिन दो चीजें खाली हैं तो यहां पे जो बिट होगा वो जीरो होगा, जो जीरो होगा तो इनवैलिड होगा, और जब इनवैलिड होगा मतलब बताएगा कि पेज मौजूद नहीं है, इस टेबल में जो P1 पेज है वो आपका मौजूद नहीं है। तो जब मौजूद नहीं है तब अब क्या होगा कि ये जीरो बिट हुआ, और ये जीरो बिट जैसे आपका बताता है, क्या बताता है, एक ट्रैप जनरेट करता है। ट्रैप का मतलब होता है कि इंटरप्ट जनरेट करेगा, और जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगा, ठीक है कि भैया यहां नहीं है वो चीज जो आप खोज रहे हो, इनको P1 पेज जरूरत है क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन वो P1 पेज आपके मेन मेमोरी में नहीं है, तब वो क्या होगा, एक ट्रैप जनरेट होगा, और यही जैसे ही ट्रैप जनरेट होगा तो कंट्रोल जो है यूजर से कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाएगा। किसको चला जाएगा, यूजर से ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाएगा। तो अब चीजें सब किसके कंट्रोल में आ जाएंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि इंटरप्ट जनरेट हुआ है। उस इंटरप्ट को देखेगा कि कहेगा कि भैया पेज वन आपका जो प्रोसेस वन का है वो अवेलेबल नहीं है, जिसको सीपीयू डिमांड कर रहा है। तो जब ये यूजर से ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच किया तो इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैंने आपको राउंड रॉबिन वाले में पढ़ाया है कि एक प्रोसेस को रेडी में भेजकर दूसरे प्रोसेस को क्यू में ला देना ही क्या हो जाता है, आपका आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका नहीं मिला उसको, जब नहीं मिला पेज आपको तो यहां पे पेज वन आपका मेमोरी में नहीं मिला, तो यहीं पर जब आपको नहीं मिला पेज वन तो यहीं पे आपको क्या क्रिएट हो जाता है, तुरंत आपका यहीं पे आपका क्रिएट होता है पेज फॉल्ट। पेज इसी को बोलते हैं पेज फॉल्ट होना। आपसे अगर टर्मिनोलॉजी पूछ ले कि पेज फॉल्ट क्या होता है, कि जिस पेज को सीपीयू चाह रहा है एग्जीक्यूट करना वो पेज आपके अगर मेन मेमोरी में नहीं है तो वो क्या कहलाता है, पेज फॉल्ट कहलाता है। और जब पेज फॉल्ट तो ऐसा नहीं है तो कि भाई, लेकिन अब टाइम लगेगा, जब पेज फॉल्ट हो गया तो थोड़ा सा किसी भी चीज को लाने में टाइम लगेगा। तो पेज फॉल्ट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट गया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि हार्ड डिस्क से आपका, क्योंकि इसमें तो है नहीं, तो अब हार्ड डिस्क के देखेगा कि प्रोसेस P1 का जो पेज वन है उसको लोड किया जाए, तो वो पहले देखेगा क्या कोई स्पेस खाली है मेमोरी में, तो देखेगा कि हाँ एक स्पेस खाली है आपका। अगर खाली नहीं होता तब क्या होता, तब आपका ये करता है ऐसा कि जो भी प्रोसेस जिसका अभी काम नहीं है, और जी मेमोरी में ऐसा प्रोसेस जिसका कोई काम नहीं है, चाहे वो एग्जीक्यूट हो चुका है चाहे उसका कोई डिमांड नहीं चल रहा है फिलहाल, तो उसको क्या करेगा, क्योंकि आपकी इसकी साइज फिक्स्ड है, उसको वहां से स्वैप आउट कर देगा। स्वैप आउट का मतलब उसको पहले यहां से भेज देगा, और उसमें भी कई होती हैं चीजें, उसमें आपका एक होता है मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई बिट, ठीक है, मॉडिफाई पेज या डर्टी पेज जिसको बोलते हैं। डर्टी पेज का मतलब कि सपोज करो कोई पेज यहां से आया, इसमें लोड है, मान लो P2 पेज लोड है प्रोसेस 2 का, इसका इस पे काम हो गया, इस पे कोई राइट ऑपरेशन हुआ, कुछ मॉडिफाई हमने किया, ठीक है, तो वो हो गया एक तरह से डर्टी पेज। तो उसको फिर से हम मान लो इसका काम नहीं है अब फ्यूचर में, और हमें P1 पेज चाहिए प्रोसेस 1 का, तो जब इसको लोड करना और सभी भरा रहे, मैं मान रहा हूं कि जब सब भरा रहे, तो जब भरा रहेगा तो हमें किसको हटाना पड़ेगा, जिसका यूज नहीं है, तो हम कहें कि इसका यूज नहीं, इसका काम हो चुका है, तो हम इसको स्वैप आउट करेंगे, मतलब यहां से अब P2 वाले में उसको भेज देंगे। और इसीलिए भेजेंगे क्यों, इसको यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे तब इसको डिलीट करेंगे, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुआ है इस प्रोसेस में, और यहां पे जो आपका P2 पड़ा हुआ है वो आपका ऑलरेडी पहले जैसा पड़ा हुआ है, उसमें चेंज नहीं है, तो यहां से इसको यहां पे जब स्वैप करेंगे तो वो चीजें यहां पे इस चेंज के साथ आएंगी। हां, अगर कोई प्रोसेस आपने यहां लोड किया, कोई पेज लोड किया है, लेकिन उस पर कोई राइट ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ रीड किया है, तो यहां का मान लो यही P2 यहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है, इसका मतलब उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो भैया हम डायरेक्ट यहां से स्वैप कर देंगे, इसको डिलीट मार देंगे, यहां पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी उसको, क्योंकि जो कंटेंट यहां रहेगा वही कंटेंट यहां रहेगा, कोई मॉडिफिकेशन तो हुआ नहीं है। समझ गए मेरी बात को, तो बस यही होता है कि यहां से जब ऐसा हो जाए कि मेमोरी फुल रहे तब स्वैप आउट होगा, ठीक है।
रोल इन और रोल आउट कहते हैं इसको अलग लैंग्वेज में, रोल इन और रोल आउट, इसको क्या बोलेंगे, रोल आउट बोलेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन अभी हमारा जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे एक स्पेस खाली है ये, तो P1 पेज नहीं था इसमें, तो P1 पेज की डिमांड होगी, क्या होगी, डिमांड। तो यहां पे जो डिमांड हो रही है वो कैसी डिमांड हो रही है, वो प्योर डिमांड पेजिंग हो रही है, समझ रहे हो मेरी बात, प्योर डिमांड। क्यों, क्योंकि ये रन टाइम में प्रोसेस इसको रन करना, सीपीयू रन करना चाहता है लेकिन मेमोरी में नहीं मिला, तो प्योर डिमांडिंग पेज है, रन टाइम में ही डिमांड किया जा रहा है इसका। तो रन टाइम से अब P1 को क्या किया जाएगा, यहां से इसमें लोड किया जाएगा जो P1 प्रोसेस का पेज 1 है, तो यहां पे अब आ जाएगा पेज 1 ऑफ प्रोसेस 1। अब यहां पे मेन मेमोरी में ये लोड हो गया, जैसे मेन मेमोरी में लोड हुआ तो आपका जो पेज टेबल है P1 का, उस पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा और इस पे आ जाएगा फ्रेम 7। क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रेम 7, और ये जो 0 था अब वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। F7 आ गया, अब जब F7 आ गया तो इसका मतलब कि ये 7th वाला जो फ्रेम है वो आपका यहां पर है, ठीक है, और 7th फ्रेम में, तो अब जब ये लोड हो गया, यहां से यहां लोड हुआ, और जैसे ही सीपीयू, अब क्योंकि ये चीजें बहुत तेज होती हैं हमें पता नहीं चलता है, सीपीयू जो P1 आपका खोजा तो अब उसको पता चल गया कि हाँ P1 जो है F7 वाले फ्रेम में है, और F7 में कौन सा है, यहां पे देखो पेज 1 और प्रोसेस 1 है, तो वो उसको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा कि पेज 1 जो है आपका किस सेगमेंट में है, 7 वाले हैं। पेज टेबल जब देखा है यहां पे प्रोसेस का, तो पहले देखा F1, इसमें आपका दूसरा पेज था, लेकिन जब F7 देखेगा तो कहेगा हाँ पेज 1 मिल गया मुझे मेमोरी से, तुरंत यहां से आपका F7 से सीपीयू में P1 पेज क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और P1 पेज क्या हो जाएगा आपका, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बताओ ये चीजें समझ में आई, ये चीजें समझ में आई, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि जब आपका पेज मौजूद नहीं, जब पेज फॉल्ट अकर हुआ, यहां से एक न्यूमेरिकल पूछेगा, मैं बता दूं रहा हूं कैसा न्यूमेरिकल पूछेगा, जैसे एक पेज फॉल्ट हुआ ना, ऐसे ही मान लो यहां पे भी पेज फॉल्ट होगा कोई चीज, तो वो पेज फॉल्ट, अगर सपोज करो कि हमें क्या चाहिए था, हमें पेज 0 चाहिए था, प्रोसेस 1 का पेज 0 चाहिए, अगर सीपीयू को P0 चाहिए सीपीयू को, तो सीपीयू प्रोसेस किसका, P0 ऑफ P1, ठीक है, प्रोसेस 1 का P0 पेज चाहिए, वो गया F1 पे देखेगा, टेबल प्रोसेस 1 का देखेगा, टेबल प्रोसेस 1 में देखा F1 जो फ्रेम है, फ्रेम नंबर 1 ये वाला, इसी में पेज 0 है, तुरंत मिल गया इसको, कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट मेमोरी में सर्च किया, पहले पेज टेबल में गया, पेज टेबल को सर्च करने के बाद पेज टेबल में उसने देखा कि F1 फ्रेम में क्या है, तो F1 फ्रेम में पेज 0 है, तो जो उसको चाहिए था मिल गया, तुरंत यहां पर काम हो गया। तो यहां टाइम आपको कम लगा क्योंकि यहां पर पेज फॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन जहां पेज फॉल्ट होता है तो तुरंत हमें हार्ड डिस्क से, क्योंकि सभी प्रोसेस हमारे कहां पड़े हैं, सभी प्रोसेस के आपके पेजेस कहां पड़े हैं, हार्ड डिस्क में पड़े हैं, तो वहां से हमें मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, फिर मेन मेमोरी से हमें सीपीयू को देना पड़ेगा एग्जीक्यूट कराने के लिए। एक बार बताओ कि समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको समझ गया कि प्री फेज और प्योर डिमांडिंग पेज क्या होता है, तो यही डिमांड ऑफ पेज होता है और कुछ नहीं होता है, और सच कुछ नहीं है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, वो आपसे डेटा दे देगा और डायरेक्ट आपसे पूछेगा, डायरेक्ट क्या पूछेगा कि इफेक्टिव मेमोरी एसेस टाइम। यहां पे जब मैंने कहा कि अगर P0 पेज लेना होगा प्रोसेस 1 को, तब उसका टाइम क्या है, कम लग रहा है P1 की अपेक्षा, क्योंकि P1 था ही नहीं इस मेमोरी में, तो पेज फॉल्ट हो गया, और पेज फॉल्ट हुआ तो हार्ड डिस्क में गया, फिर उसको मेमोरी में लोड किया गया, फिर सीपीयू को मिला। तो ये हो गया एसेस टाइम, इफेक्टिव मेमोरी एसेस टाइम निकालने के लिए यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो कैसे निकालेंगे लिख लो, इफेक्टिव मेमोरी एसेस टाइम क्या होगा,
इक्वल टू, पहले बताओ समझ में आ रहा है? क्लास में जो लोग भी हो एक बार बता दो समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी लोग टेक्निकल हो, कहीं ना कहीं पढ़े होगे, कोई बीसीए किया होगा, कोई बीटेक किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये बिना उसके तो आप समझ नहीं सकते हो, तो थोड़ी तो टेक्निकली आपको हो गई स्ट्रॉन्ग। इफेक्टिव मेमोरी एसेस टाइम क्या होगा कि सपोज करो यहां एक बार पेज अकर, पेज फॉल्ट अकर हुआ, दो बार पेज फॉल्ट हुआ, कि कितनी बार पेज फॉल्ट हो रहा है, तो हम माने कि पेज फॉल्ट जो हो रहा है वो हमारा पी टाइम्स हो रहा है, कितनी बार पी टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया पी, पी बार हमारा कोई पेज जो है फॉल्ट अकर हो रहा है बार बार, तो इसको पी टाइम्स को, पी टाइम्स जो पेज आपका फॉल्ट हो रहा है उसको कवर करने में जो पेज, ठीक है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, ठीक है, ये लिखते जाना एक बार तुम लोग, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम प्लस पेज फॉल्ट सर्विस टाइम क्या होगा। अब जैसे कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो उसको सर्विस करने में, मान लो गाड़ी खराब हो गई तो उसको सर्विस करने में समय जाता है, ऐसे ही जब पेज फॉल्ट आ गया, मान लो एक बार आ गया, तो उसको समय मतलब उसको सही करने में जो समय लगा, ठीक है, तो वो समय, ऐसे ही पांच आ गए पेज फॉल्ट, तो पेज फॉल्ट को पांच सही करने में जो समय लगेगा वही होगा पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, कि फिर से उसको लोना और लोड करना, फिर सीपीयू तक जाना, ये दिया रहेगा, ऐसा नहीं आपको दिया रहेगा। और ऐसा केस जहां हम मान लें कि कोई पेज फॉल्ट ना हो, कोई पेज फॉल्ट ना हो, ये चीज हो जाएगा, ये जो होगा वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, मिली सेकेंड में होता है, ये मिली सेकेंड में होगा, और ये जहां पेज फॉल्ट अकर ही ना हो तो आपने देखा तुरंत काम हो गया, मेमोरी में पड़ा था तुरंत सीपीयू को मिल गया, ठीक है, मेन मेमोरी में पड़ा था, तो ऐसे को क्या कहते हैं, ये चीजें नैनो सेकेंड में होती हैं, ठीक है, ये नैनो सेकेंड में होती है, और ये होता है मेन मेमोरी एसेस टाइम, मेन मेमोरी एसेस टाइम, ठीक है, मेन मेमोरी एसेस टाइम। मेन मेमोरी एसेस टाइम मतलब कि आपको डायरेक्ट सीपीयू ने मेन मेमोरी से इसको एसेस किया है, हार्ड डिस्क से नहीं किया है, क्यों, क्योंकि ये तब का केस है जब कोई पेज फॉल्ट अकर ना हो, तो जितने मान लो पेज फॉल्ट कोई अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या, वन माइनस पी, अगर पी फॉल्ट होने की अकॉर्डिंग है तो इसकी वन माइनस ना होने की, पेज ना फॉल्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो वन माइनस पी हो जाएगी, ठीक है। मेन मेमोरी एसेस टाइम ये नैनो सेकेंड में होता है, इन्हीं को जोड़कर आपको क्या निकल जाएगा, इफेक्टिव मेमोरी एसेस टाइम निकल जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में यह दिया जा सकता है कि आपको पेज फॉल्ट सर्विस टाइम दे दे, चाहिए बोले कि दो पेज फॉल्ट हुए हैं, हर पेज का जो फॉल्ट सर्विस टाइम है इतना है, ठीक है, और एक जो है आपका जो मेमोरी एसेस टाइम है आपका वो इतना है, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पेज फॉल्ट पता है, तो वन माइनस पी आपको इतना निकाल लोगे यहां से प्रोबेबिलिटी, वो तो इसमें से आपको डेटा दिया रहेगा, बस ये फॉर्मूला निकाल के आंसर निकालना होगा। क्या हुआ श्रुतिका जी, क्या बोल रही हैं? वो आपके उसमें दिया रहेगा, जो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है वो आपका क्वेश्चन जब बनाएगा एग्जामिनर तो वो पूरा डेटा देगा, देखो ये पी इंटू हो जाएगा ना, ये इन डाटा में से आपको कोई भी चीज पूछता है, मान लो मेमोरी एसेस टाइम पूछ रहा है, तो मेनली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, बाकी वो एग्जामिनर आपको सब डेटा देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, वन माइनस पी नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि अगर पी टाइम्स पेज फॉल्ट अकर हो रहा है तो कितनी बार नहीं अकर होगा वो तो आप ऐसे बता सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी से, ठीक है, अगर p दे दिया तो 1 माइनस पी की जरूरत थोड़ी है, तो वो तो 1 माइनस पी कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा, और ये दे देगा, तो इससे आप इफेक्टिव मेमोरी एसेस टाइम निकाल सकते हो। समझ में आ गया?
तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी की जो नीड है वो यही है, ठीक है। डिमांड पेज आपको समझ में आ गया। अब पेज रिप्लेसमेंट का एक डिमांड पेज आ गया, हो गया आपका। अब पेज रिप्लेसमेंट भी एक टॉपिक है आप लोगों में, उसको भी मैंने बातों बातों में आपको समझा दिया। कोई बताएगा कि पेज रिप्लेसमेंट कौन सा मैंने समझाया आपको? ऐसा नहीं है। अब कुछ बच्चे कहते सर आपने पेज रिप्लेसमेंट नहीं, मैंने इसी को पढ़ाते पढ़ाते आपको पेज डिमांड भी बता दिया और पेज रिप्लेसमेंट भी पढ़ा दिया। क्यों? आपको पता चला कि पेज रिप्लेसमेंट पढ़ाया? जल्दी से बताओ, आपको पता चला? अब आपका सिर्फ बचा रहा है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। देखो पेज रिप्लेसमेंट मैंने तभी पढ़ा दिया आपको जब स्वैप आउट की बात किया, कि मान लो अगर ये मेमोरी फुल है और P1 को हमें पेज 1 को यहां पे रखना है किसी तरह से, तो हम उस पेज को आउट कर देंगे, स्वैप आउट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, जिनका कोई जिस प्रोसेस जो उस प्रोसेस के पेज को डिलीट कर देंगे जिसका हमें अभी सीपीयू डिमांड नहीं कर रहा है काफी समय से, ठीक है, जिसका डिमांड नहीं हो रहा है, तो उसको क्या किए, मेन मेमोरी से रिप्लेस कर दिए, तो उसी को पेज रिप्लेसमेंट कहा जाता है और कोई तोप नहीं है। तो आपका जो IMD का पेपर है ना, देखना, कोई भी बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा है आपसे, थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट पूछ दिया है कि ये पेज रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, वो ऑप्शन 4 सेट कर देगा। पेज डिमांड का मतलब क्या होगा, 4 ऑप्शन सेट कर देगा। वर्चुअल मेमोरी का क्या होगा, ये 4 ऑप्शन सेट कर दिया। तो ये यहीं से आप कर लोगे, और बाकी न्यूमेरिकल मैंने बताया, यही एक न्यूमेरिकल बनता है, वो आप यहां से एक्सेस कर लोगे। तो ये आपका कवर हो गया वर्चुअल मेमोरी में। मैंने आपको आज वर्चुअल मेमोरी वाले में क्या क्या पढ़ा दिया, वर्चुअल मेमोरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया क्या होता है, पेज डिमांड मैंने आपको बता दिया और पेज रिप्लेसमेंट आपको बता दिया। अब बचा है आपका कल जो हम लोग पढ़ेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये आपके 3 एल्गोरिथम होते हैं बेसिकली। एक होता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, उस पे चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे चलता है। एक बताओ सभी को समझ में आया, बता दो भाई जब तक बताओगे नहीं। और एक होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। कल इन तीनों को हम इसीलिए आज नहीं बता रहे, टाइम चला जाएगा। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट और लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, ये भी सब नाम से ही हैं। लिस्ट रिसेंटली यूज्ड मतलब जो कम यूज हुआ, वही मैंने बोला जिसका यूज नहीं है, डिमांड नहीं चल रहा है, वो एल्गोरिथम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट FIFO। इन्हीं से हम रिप्लेसमेंट करते हैं और इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है। तो इन तीनों एल्गोरिथम को हम लोग कल देख लेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द है तो बता दो एक बार। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एडवांटेज क्या है वर्चुअल मेमोरी की, मल्टी प्रोग्रामिंग, डिमांड ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाती है, ठीक है, हाइयर हो जाती, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हो, मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी और सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाता है आपका। चलो कोई दुख दर्द नहीं है, चलिए तो आज क्लास को बंद करते हैं यहीं पे, कल हम लोग एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे।